I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि शांति यज्ञ की महत्ता से अवगत कराया तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया। सौराष्ट्र क्षेत्र के समस्त राज्यों ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया। शांति यज्ञ का एक और चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, किंतु क्या यह इस कथा का सुखांत था या किसी और अनहोनी के आरंभ का संकेत? इसका पता तो उसी समय चलेगा जब अर्जुन माता गंगा के जल को अपने माथे से लगाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए गंगा तट पर पहुंचेगा। कहाँ जा रहे हो अनुज? बाहर सेना तैयार खड़ी है, हमने प्रस्थान करना है। माँ गंगा की धारा समय पे बहती है मुझे भैया, सोचा कि माता का आशीर्वाद ले लूं। आप भी मेरे साथ चलिए ना। नहीं, तुम जाओ, अब तो केवल पूर्व देश शेष रह गया है,
शेष सब तो मैत्री संबंध में बंध ही चुके हैं। ये अंतिम चरण पूरा करने के पश्चात मैं एक साथ माँ गंगा के दर्शन भी कर लूंगा। जैसे आपकी इच्छा मजली भैया। क्या हुआ, रुक क्यों गया अनुज? क्या जाने का निर्णय बदल दिया है? कुछ सोच रहा हूँ मजली भैया। क्या सोच रहे हो? एक बात ने मेरे पांव रोक लिए हैं। कौन सी बात है? सोच रहा हूँ कि क्या माँ गंगा का क्रोध कम हो गया होगा? क्या वो मुझे क्षमा कर देंगी? मुझे लगता है वो अब भी मुझसे बहुत रुष्ट है। पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गया था ना मजली भैया, तो वो बहुत क्रोधित थी। क्या उनका क्रोध कम हो गया होगा? क्या वो मुझे क्षमा कर देंगी मजली भैया? अवश्य क्षमा कर देगी अनुज, क्रोध उनका स्वभाव नहीं है। नहीं मजली भैया, गंगा माता तो मुझे पितामह का हत्यारा समझती है। वो ये नहीं जानती है कि मैंने जो कुछ भी किया पितामह की इच्छा से किया, उनके आदेश से किया, और उनका तो आशीर्वाद था ना मेरे साथ मजली भैया। हो सकता है कि समय बीतने के साथ साथ वो भी जान गई हो कि ये भी सब नीति का खेल था। मुझे आशा है कि उनका क्रोध शांत हो गया होगा। यदि शांत ना भी हो ना मजली भैया, तो मैं उनके चरण स्पर्श करने अवश्य जाऊंगा। इतना निकट आकर यदि मैंने उनके दर्शन नहीं किए तो मेरी अंतरात्मा सदैव व्याकुल रहेगी। वो चाहे मुझसे क्रोधित हो, परंतु मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा मजली भैया। मैं समय हूं। अर्जुन के मन का भय बात निराधार भी नहीं था, बस उसे ये ज्ञान नहीं था कि केवल गंगा माता उस पर क्रोधित नहीं थी, कुछ और मनों में भी क्लेश पल रहा था। इस क्लेश का संबंध अर्जुन के जन्म से पहले की कुछ घटनाओं से था। बात उस समय की है जब महाराज शांतनु गंगा की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपना दिल हार बैठे थे। गंगा ने महाराज शांतनु से विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि महाराज उससे कभी उसके किसी कार्य का कारण नहीं पूछेंगे। महाराज ने 7 बार तो धीरज से काम लिया। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्र जन्म लेते ही लहरों के आंचल में डाल दिए। 8वें पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म के जन्म पर शांतनु से न रहा गया और वे अपना वचन भूलकर गंगा से उसके समझ में न आने वाले कार्यों का कारण पूछ बैठे। वचन टूटते ही देवव्रत को जीवन तो मिल गया, किंतु महाराज शांतनु और गंगा का संबंध सदा के लिए टूट गया। गंगा ने महाराज शांतनु को बताया कि पानी की लहरों में बहाए जाने वाले उसके 7ों बेटे वास्तव में 7 देवगण थे। उन्हें और उनके 8वें भाई भीष्म पितामह को मुनि वशिष्ठ के शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनका उद्धार उसी समय हो सकता था जब उन्हें जलधारा में फेंक दिया जाए। ये देवगण वसु कहलाते हैं। 7 वसुओं का उद्धार हो गया, किंतु 8वें वसु देवव्रत को जीना पड़ा, परंतु अर्जुन द्वारा उनका वध हुआ। 7ों वसु अपने 8वें भाई के वध से पीड़ित थे और उन्हें अर्जुन पर क्रोध था। वो अर्जुन से अपने 8वें भाई देवव्रत के वध का प्रतिशोध चाहते थे। सुना तुमने देवजनों, अर्जुन माता गंगा के तट पर आ रहा है। वो हत्यारा वहां क्यों आ रहा है? अपने तत्कथित शांति आशीर्वाद लेने। पाखंडी, वो क्या जाने शांति का अर्थ।
अभी कलयुग तो आया नहीं कि हत्यारे भी चले संसार को शांति का उपदेश देने। हम उसे माता का आंचल कभी नहीं छूने देंगे। वो हमारे आठवें भाई देवव्रत का हत्यारा है। हम तो उसे भिक्षा में भी दया नहीं देंगे। हम तो उसी समय उसका वध कर देते, परंतु हमें रोक दिया गया। वो समझता है कि हम इतने दिन चुप रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्रोध शांत हो गया है। तो फिर चलो उस पापी को ऐसा दंड दें जो सदैव याद रखे। चलो, चलो। लोग कौन है देवजनों? हम माता गंगा के वो सात पुत्र हैं जिन्हें माता ने जन्म देने के उपरांत जल की भेंट चढ़ा दिया था। तब तो आप मेरे पितामह के भाई हैं, मेरे लिए तो अत्यंत पूजनीय हुए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवजनों। मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। सेवा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए आप लोगों को? बस तुम यहाँ से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम इस पवित्र जल को हाथ भी लगाओ। किंतु क्यों? हम तो सारे देश को एक करने का शांति यज्ञ कर रहे हैं। मुझे तो गंगा माँ का आशीर्वाद लेना है। यह आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। आशीर्वाद नहीं मिल सकता? किंतु क्यों देवजनों? गंगा माँ के आशीर्वाद के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं। पर ये द्वार तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बंद हो चुके हैं। तुम्हारे स्पर्श से ये जल अपवित्र हो जाएगा। क्या ये जल अपवित्र हो जाएगा? ये जल तो पाप हरता है, इसके स्पर्श से तो अपवित्रता भी पवित्र हो जाती है। भला मेरे स्पर्श से यह जल अपवित्र कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम जिन हाथों से इस जल को स्पर्श कर रहे हो, उन हाथों पर हमारी माता गंगा के प्रिय पुत्र और हमारे आठवें अनुज देवव्रत के रक्त के धब्बे हैं। तुमने इन्हीं हाथों से अपने पितामह और हमारे अनुज विश्व का वध किया है। मैंने पितामह का वध किया है? नहीं देवजनो, नहीं। किंतु आप ये भूल गए कि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यदि वो चाहते तो उन्हें कोई नहीं मार सकता था। सूर्य की एक नन्ही सी किरण सूर्य के प्रकाश को कैसे रोक सकती है देवजनों? मैंने तो अपना गांडीव भी धरती पर रख दिया था, परंतु परंतु केशव के उपदेश के उपरांत मैंने ये गांडीव फिर से उठा लिया। हम विश्व से बुझे इन वालों को कैसे भूल जाएं जो तुम्हारे गांडीव से निकले थे और जिसने हमारे अनुज देवव्रत को रक्त स्नान कराया था। देवजनों, आपने तो पितामह के शरीर के बहते हुए केवल रक्त को देखा है। आपकी दृष्टि उनके अधरों पर नहीं गई जिन्होंने मेरे हर वाण के चोट पर मुझे विजय भव का आशीर्वाद देते रहे। देवजनों, ये महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध है और पितामह ये भली भांति जानते थे कि जब तक वो जीवित हैं ये युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता था। पितामह तो धर्म की विजय चाहते थे ना देवजनों, और यही कारण था कि उन्होंने मृत्यु को गले से लगाने का निर्णय ले लिया था। तुम झूठे हो। हमने स्वयं देखा कि शिखंडी के आड़ में तुम उन पर बाण चला रहे थे और तुम्ही ने उनके लिए बाणों की शैया तैयार कर दी थी। हाँ हाँ, ये सत्य है, किंतु आप ये नहीं जानते देवजनों कि शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म का प्रतिशोध लेने के लिए उनका वध करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतना बड़ा पराक्रमी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महावीर एक शिखंडी के हाथों मारा जाए। इसलिए यह अपराध मैंने किया। परंतु मैं देख रहा था कि मेरे पितामह मेरे इस कार्य से प्रसन्न थे
उनकी आंखें कह रही थी कि पुत्र यह न्याय नहीं होने देना, मुझे शिकंडी के हाथों मरने का अनादर नहीं होने देना। मैंने उन्हें शिकंडी के हाथों से मरने से बचा लिया। मेरे गांडी से निकला हुआ हर वर्ण जो उनकी छाती और मेरे मन को छलनी कर रहा था, वो मेरी ओर से एक श्रद्धांजलि थी, अपने पूज्य पितामह के लिए मेरी ओर से एक अंतिम भेंट थी। मैं कदाचित अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस दुख को भुगतता रहूंगा, परंतु देवजनों, हम सब भाग्य और होने के हाथों में एक कठपुतली की भांति है। हमारी डोर तो समय के हाथ है और हम उसके संकेत के दास हैं। तुम्हारे इन बातों से सत्य नहीं बदल सकता और हमारे पास भी विवाद के लिए समय नहीं है। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। हम तुम्हें माता के चरण छूने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। देवजनों, हट मत कीजिए। मैं गंगा माता का आशीर्वाद लिए बिना तो कदापि नहीं जाऊंगा। यह आशीर्वाद लेने से तो स्वयं गंगा माता भी मुझे नहीं रोक सकती। यह तो मेरा अधिकार है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरी माता के बीच से हट जाइए। कदापि नहीं, हमने कह दिया ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझ पर कृपा कीजिए देवजनों, मेरा आपसे कोई बैर नहीं और ना ही तो मैं पितामह का हत्यारा हूं। मुझे अपनी माता का जल मेरे माथे से लगाने दीजिए। रुक जाओ अर्जुन, यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं इस जल को अपने माथे से लगाने का निश्चय करके आया हूं और अपनी कामना पूरी करने के पश्चात ही यहां से जाऊंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। हम भी तुम्हें रोकने का पूरा निश्चय करके आए हैं और तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होने देंगे। क्षमा कर दीजिए देवजनों, परंतु आप लोग जानते हैं कि पहल आपने की थी। मुझे एक पुण्य से रोकने की चेष्टा कर रहे थे आप लोग। हम लोग मणिपुर जा रहे हैं जो यहां से बहुत दूर है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपका यह भ्रम अवश्य दूर कर देता। प्रणाम देवजनों। क्या हुआ माँ, सब कुशल तो है? आप ऐसे उठ क्यों बैठी? पता नहीं पुत्री, पता नहीं मन व्याकुल क्यों हो रहा है। कहीं कोई सपना? नहीं नहीं, कोई सपना नहीं देखा। बस जैसे सोते में किसी ने मुझसे कहा हो कि मेरा पुत्र अर्जुन किसी संकट में आने वाला है, कोई बहुत घोर संकट उसको अपने घेरे में लेने का प्रयत्न कर रहा है। संकटों से खेलना तो आपके पुत्रों का स्वभाव है माते। जब वो किसी संकट से नहीं घबराते तो आप क्यों अकारण घबरा रही हैं? मेरे देवर जी के आगे तो कोई संकट अधिक देर तक ठहर ही नहीं सकता। नहीं पुत्र वधु, मेरा मन नहीं मानता। कोई ऐसा संकट आने वाला है जो अब तक आने वाले सारे संकटों से अधिक गंभीर है। मुझे अर्जुन की ओर से बहुत चिंता हो रही है। उनके साथ केशव का आशीष है माते, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? संतान के लिए तो माता का हृदय गंगा की तरह विशाल होता है। वो गंगा के आसपास है माते, गंगा उनकी रक्षा करेगी। Thank you.
पुत्र। प्रणाम माते। मैं तो पिताश्री से मिलने कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी, सोचा अपने पुत्र से भी मिलती चलूं। तुमने तो मां से ना मिलने का प्रण ले लिया था, और भीष्म जैसे पुत्र का प्रण तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें देखने चली आई। नहीं माते, भीष्म यदि मां के लिए प्रण ले सकता है तो मां के लिए प्रण तोड़ भी सकता है। किंतु माते, आपको देखकर आश्चर्य अवश्य हुआ है मुझे। क्यों पुत्र? क्योंकि आपके शेष सातों पुत्र, मैंने सुना है आप इसे मिलने गए हैं। तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब कैलाश जाते हुए मैं उनसे भी मिलती जाऊंगी। पर यह तो बताओ पुत्र, तुम कैसे हो? अपने शरीर पर प्राणों का बोझ है, ना आत्मा पर किसी प्रतिज्ञा का। हस्तिनापुर अब योग्य और सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है माते। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। किन योग्य हाथों में? वही योग्य हाथों में जिन्होंने मेरे पुत्र के लिए बाणों की शैया तैयार की, वही योग्य हाथों में जिनके द्वारा फेंका हुआ हर बाण मेरे पुत्र के तन से एक एक सांस छीन रहा था। जब हस्तिनापुर का नाम लिया जाता है तो मेरा ध्यान अर्जुन की ओर चला जाता है। मेरे हृदय पर उसने जो घाव बनाया है उससे रक्त रिसने लगता है, घृणा होने लगती है मुझे उससे। अब तक आपने अर्जुन को क्षमा नहीं किया माते। आप तो इतनी विशाल, इतनी निर्मल, इतनी कोमल हैं, फिर भी अपने इस स्वभाव को छोड़कर इतना कठोर क्यों बन जाती हैं? अब तक तो आपके लहरों की ठंडक से आपकी ये क्रोध की अग्नि शांत हो जानी चाहिए थी। मैं तो समझता था आपकी तीव्र धारा आपके क्रोध को कब का बहा ले गई होगी। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। तुम उस मां से कह रहे हो जो विवशता से अपने पुत्र को तिल तिल करके मरता देखती रही और कुछ ना कर सकी। अर्जुन के जो बाण तुम्हारे शरीर पर बरस रहे थे वो मेरे हृदय को छलनी किए दे रहे थे पुत्र। आप तो संसार के हर पापी का पाप भर लेती है माते। आप तो हर आत्मा को धोकर दर्पण की भांति स्वच्छ और पारदर्शी बना देती है। आपकी महानता को यह शोभा नहीं देता माते। किसी छोटे की भूल को क्षमा न करें। आपकी विशालता की मांग यही है कि अपने मन को छोटा न करें। तुम्हें बाणों से छेड़ते समय उसने यह भी नहीं सोचा कि वो जिस विशाल वृक्ष को गिरा रहा है उसकी छाव में उसके बचपन ने विश्राम किया था। किंतु मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है माते, क्योंकि वो युद्ध ही ऐसा था कि चाहते हुए भी मैं सत्य के पक्ष में नहीं जा सका, और अर्जुन को न चाहते हुए भी मेरी ओर गांडीव को तानना पड़ा। मैंने तो भुला दिया है उस कड़वे अतीत को, मैंने उसे क्षमा कर दिया है माते। तुमने अर्जुन को क्षमा कर दिया क्योंकि अर्जुन तुम्हारा प्रिय था। तुमने अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक अर्जुन को प्रेम किया, और मैं अर्जुन को इसलिए क्षमा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और अर्जुन ने तुम्हारी निशंस हत्या की है। तुम अपने प्रेम से विवश हो पुत्र, और मैं अपने प्रेम से विवश हूं। भुला दीजिए इन बातों को माते, अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। तुम कहते हो पुत्र तो मैं भूलने का प्रयत्न अवश्य करूंगी, किंतु मैं कोई वचन नहीं दे सकती।
प्रिय पुत्रों के साथ ये दुर्व्यवहार किस दुष्ट ने किया? बताओ कौन था वो दुष्ट जिसने इस दुष्टता का साहस किया? माते, ये उसी बाल का चमत्कार है जिसने हमारे अनुज और आपके प्रिय पुत्र देवव्रत का वध किया था। क्या अर्जुन वो यहां आया था? हाँ माते, वो आपके पवित्र जल से तर्पण करना चाहता था। हमने उसे रोकना चाहा तो अपने बाण से हमें बांध दिया। आप ही कहिए माते, आपके पुत्र के हत्यारे को आपके जल का स्पर्श करने की आज्ञा कैसे दे दें? और देवव्रत कहता था कि अर्जुन को क्षमा कर दो, उस अपराधी को क्षमा कर दो जिसके अपराधों का कोई अंत दिखाई ही नहीं देता। किंतु तुम सबने मेरे पुत्र होने के धर्म का पालन किया है। और उसने हमें पुत्र धर्म के पालन का यह पुरस्कार दिया। वो कह रहा था कि यदि आप भी यहां होती तो उसे जल स्पर्श करने से नहीं रोक सकती थी। उसका साहस इतना बढ़ गया, कहां है वो? वो मणिपुर की ओर जा चुका है माते। अभिमानी अर्जुन, मैं अपने प्रिय पुत्र देवव्रत के कहने पर कदाचित तुझे क्षमा भी कर देती, पर मेरी क्षमा तेरे भाग्य में ही नहीं लिखी। मेरे पुत्र के वध के पश्चात तो तेरा अभिमान और भी बढ़ गया है। आज तूने मेरे साथ और पुत्रों का भी अपमान किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि आज के पश्चात तू किसी और का अपमान करने के योग्य ही नहीं रह जाएगा। ये बाण देकर आपने सिद्ध कर दिया कि मेरी आराधना सफल हुई, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। मैं अब अपनी माताश्री को दिया हुआ वचन निभाने के योग्य हो गया हूं। माता, आपने अपने आशीर्वाद के लिए बहुत उचित समय चुना है। महाभारत युद्ध का नायक घमंडी अर्जुन मणिपुर की सीमाओं की ओर पड़ता चला आ रहा है। अब आपके आशीर्वाद से मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। जय हो माता, जय हो। माताश्री, 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 माताश्री कहाँ हैं आप? माताश्री ये देखिए। ये क्या है पुत्र? ये कामाख्या देवी का वरदान है। आज तो चमत्कार हो गया। मैं देवी की पूजा में मगन था, न जाने कब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे ये बाण दे दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारी साधना सफल हो गई है। सफल कैसे ना होती माताश्री, मेरे पास आपका आशीर्वाद जो था। आप देखिएगा, अब ये सारा संसार मान लेगा कि मैं इस धरती पर जन्म लेने वाला सबसे बड़ा धनुधारी हूं। बस इसी दिन की आस में मैं एक एक दिन बिता रही थी। इसी दिन की प्रतीक्षा में मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछ दिए थे और अपना जीवन तुम्हारी शिक्षा दीक्षा में बिता दिया था। बस एक ही तो सपना था मेरा कि वो दिन शीघ्र आए
जब सारा संसार ये जान ले कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र अर्जुन से भी बड़ा धनुधारी है, और अर्जुन भी ये जान ले कि चित्रांगदा का पुत्र उससे भी बड़ा महावीर है। किंतु आप ये बात अर्जुन को ही क्यों बताना चाहती हैं? पुत्र तुम ही बताओ, आज संसार में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कौन है? आज सारा संसार उस गांडीवधारी को वीरता और धनुष विद्या में अंतिम अक्षर समझता है। यदि अर्जुन ने स्वयं तुम्हें अपने से बड़ा धनुर्धर मान लिया तो सारे संसार को मानने में क्या देर लगेगी? तब तो कामाख्या देवी का वरदान कदाचित यही सिद्ध करने के लिए मिला है। कई महावीरों का हत्यारा अर्जुन हमारी राज्य सीमा की ओर पड़ता चला आ रहा है। अब उसे पता चलेगा कि उसे वास्तव में उसकी पराजय मणिपुर की ओर खींचे ला रही है। माते, आपने मुझसे वचन लिया था कि जब तक मैं अर्जुन को परास्त नहीं कर लेता तब तक आप यही समझेंगी कि आपकी ममता और मेरा पुत्र धन दोनों अधूरे रह गए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माते कि इस वरदान की सहायता से मैं आपका सपना और अपना वचन दोनों पूरे कर दिखाऊं। विजयी भव पुत्र। किंतु माताश्री, आपको अपना वचन तो याद है ना? भली भांति याद है। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जिस दिन तुम सिद्ध कर दोगे कि तुम अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर हो, मैं उसी दिन वो भेद खोल दूंगी जो मैंने तुम्हारे जन्म से तुमसे छुपा कर रखा है। मैं उसी पल तुम्हें तुम्हारे पिताश्री का नाम बता दूंगी। पुत्र, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। अर्जुन की पराजय होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। मैं समय हूं, सारी घटनाएं, सारी परिस्थितियां और सारी कथाएं जिस गंभीर और भयानक संकट की ओर संकेत कर रही थी, वो संकट अब अपनी पूरी भयानकता के साथ सामने आन खड़ा हुआ है। ये मोड़ अनजाने संकटों और अनदेखी घटनाओं को आंचल में समेट कर लाया है। गंगा माता अर्जुन के हाथों अपने सात पुत्रों के घोर अपमान को देख आपे से बाहर हो गई। उन्होंने अर्जुन को शाप दे दिया। परंतु ये नवयुवक कौन है? गंगा के शाप का इस नवयुवक से और नवयुवक का अर्जुन से क्या संबंध है? इस नवयुवक की माता चित्रांगदा ने अपने पुत्र से अर्जुन को परास्त करने का वचन क्यों लिया है? चित्रांगदा ने अपने पुत्र से ये भेद क्यों छिपा रखा है कि उसके पिता का नाम क्या है? ये सारे रहस्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सारे रहस्यों की जड़ें अतीत में हैं, इसलिए उन्हें जानने के लिए मैं समय आपको एक बार फिर अतीत की चौखट पर ले जाऊंगा जहां इन घटनाओं का द्वार है। मैं आपको उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जब अपने पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हस्तिनापुर के युवराज योग्य और प्रतिभाशाली युधिष्ठिर होंगे या अहंकारी और दुष्ट दुर्योधन, क्योंकि एक ही राज्य के दो युवराज बनाना संभव नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र ने देश के बंटवारे की ठान ली। हस्तिनापुर दुर्योधन को मिला और खांडव प्रस्थ पांडवों को। खांडव प्रस्थ एक घना वन था
जिस पर नागवंशियों का अधिकार था, पांडवों को उसे भी पाने के लिए नागवंशियों से युद्ध करना पड़ा और इस प्रकार पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ नाम दिया और अपने राज्य का शुभारंभ किया। तुम बहुत भाग्यशाली हो वत्स कि तुम्हें इंद्रप्रस्थ जैसी राजधानी मिली है। इंद्रप्रस्थ पृथ्वी का केंद्र है। कदाचित इतिहास ने तुम्हारे राज्य आरंभ करने के लिए यह स्थान इसीलिए चुना है कि तुम पुरखों के केंद्र में एक ऐसा राज स्थापित करो जो सारे संसार के लिए उदाहरण बन जाए। महर्षि, आप तो ये भली भांति जानते हैं कि हमें कितना छोटा सा क्षेत्र मिला है। इस छोटे से क्षेत्र में भला हम ऐसा महान राज्य कैसे स्थापित कर सकते हैं जो पूरे संसार के लिए आदर्श और उदाहरण हो। किसी राज्य की महानता इससे नहीं आकी जाती कि उसका क्षेत्र कितना छोटा या बड़ा है। राज्य की महानता की कसौटी यह है कि उसका शासक कितना न्याय प्रिय है और उसका शासन कितना अच्छा है। यदि इस छोटे से क्षेत्र को भी तुमने धर्म और न्याय के आधार पर राज्य किया, प्रजा को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया, ऊंच नीच और छोटे बड़े के अंतर को मिटा दिया, तो सारे संसार की दृष्टि तुम्हारी ओर केंद्रित हो जाएगी वत्स, और यह छोटा सा क्षेत्र भी बड़ी से बड़ी शक्ति का शीश झुकाने के योग्य हो जाएगा। महर्षि, किंतु एक छोटा सा क्षेत्र देकर क्या हमसे अन्याय नहीं किया गया? अन्याय से लड़ने के लिए न्याय को पांव धरने भर स्थान की आवश्यकता होती है वत्स। इंद्रप्रस्थ बहुत छोटा है, इसे आदर्श नगरी बना दो फिर देखो क्या होता है। हस्तिनापुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, किंतु इसके शासक अन्यायी हैं, भ्रष्ट है, इसलिए उनका कोई आदर नहीं। किंतु यदि तुमने इंद्रप्रस्थ का शासन ठीक से चलाया तो देख लेना कि हस्तिनापुरवासी भले ही उधर रहें, किंतु उनके मन तुम्हारे साथ रहेंगे। वत्स, अपने भाइयों में राज्य के विभिन्न विभागों को बांट दो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सारे भाइयों में कुशलता और निपुणता की कोई कमी नहीं है, सबके सब योग्य और पराक्रमी हैं। इन्हें इनका उत्तरदायित्व समझा दो। जो आगे महर्षि। अनुज भीम। जी भ्राताश्री। तुम साहसी हो, शक्तिशाली हो, और वैसे भी इंद्रप्रस्थ की प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे विचार में इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग का भार संभालने के लिए तुमसे अति उत्तम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। मैं इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग का कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। जो आज्ञा भ्राताश्री। मैं भगवान को साक्षी मानकर वचन देता हूं, मैं यथाशक्ति अपने उत्तरदायित्व को निभाऊंगा, धर्म और न्याय के विषय में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, राज्य और प्रजा की सेवा करूंगा। अनुज नकुल, हम सब भाइयों में तुम सबसे अधिक विद्वान और कला प्रेमी हो, इसलिए इस देश की प्रजा को शिक्षित करने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। जिस देश की प्रजा अशिक्षित होगी उस देश का भविष्य कदापि उन्नति नहीं कर सकता। और याद रखना, शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है, बुद्धि और विवेक की जागृति करना भी है, और मुझे आशा है कि तुम ये कार्य पूरी निष्ठा से करोगे। मैं इंद्रप्रस्थ प्रजा की आशाएं पूरी करने का भरसक प्रयत्न करूंगा और उनकी शिक्षा के प्रचार में कोई कमी नहीं रखूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। अनुज सहदेव, तुम नवयुवक हो और नवयुवकों की समस्याओं से भलीभांति परिचित भी हो। यदि नवयुवकों के हृदय में देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी
यदि उन्हें अपनी कला और संस्कृति से प्रेम नहीं होगा तो इस देश का भविष्य असुरक्षित रहेगा। नवयुवकों को राष्ट्र से जोड़ना किसी भी शासक का प्रथम कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें संस्कृत विभाग देकर यह कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। मैं आभारी हूं महाराज, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व से कदापि मुख नहीं मोड़ूंगा। मुझे तुमसे भी यही आशा थी। अनुज अर्जुन, किसी भी देश की सुरक्षा और स्नेह बल का नेतृत्व का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीमाओं की रक्षा करना और सेनाओं का मनोबल बढ़ाना किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है, और यह कार्य मैं तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। पूजनीय भ्राताश्री, आपके लिए और इस इंद्रप्रस्थ के लिए मेरी सेवाएं आजीवन समर्पित रहेगी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। इंद्रप्रस्थ की नींव पर हुआ राज निर्माण, पांडव तन मन से जुटे करने जन कल्याण। सारे जग में छा गया धर्म राज का नाम, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा